हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं मैंगो की बहुत ही यमी रेसिपी आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। बड़े हो या बच्चे हो, सबको बहुत ही ज़्यादा ये रेसिपी पसंद आएगा। तो आज मैं मैंगो की आइसक्रीम की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे बनाना बहुत ही ईजी, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आप इसे कभी भी कैसे भी बना सकते हैं और बिल्कुल मार्केट के जैसी इसकी टेस्ट है। और आप इसे बिना गैस जलाए बना के रेडी कर सकते हैं। 2 से 3 घंटा में ये मैंगो आइसक्रीम बनके रेडी हो जाता है। इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए मैं इस रेसिपी को स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर 1 kg मैंगो ले ली हूँ और इसे वॉश कर ली हूँ पानी से अच्छे से। और वॉश करने के बाद मैं इसको छील ले रही हूँ। इसका छिक्कल हटा देना है, आप चाहें तो हैंड से भी इसका छिक्कल हटा दें या फिर नाइफ़ की मदद से भी इसका छिकल हटा सकते हैं। तो ये लीजिए, मैं इसी तरीके से सारे छिकल को हटा दी हूँ। और छिकल हटाने के बाद मैं यहाँ पे नाइफ़ की मदद से छोटे छोटे स्लाइस में इसे कटिंग कर ले रही हूँ। ये देखिए, इस तरीके से बिल्कुल मैं कटिंग कर ले रही हूँ। इसका छोटा छोटा पीस कटिंग होकर रेडी हो जाता है और इसे मतलब ग्राइंड करने में आसानी से ग्राइंड हो जाता है। तो मैं इसे साइड में रख दी हूँ और ले ली हूँ एक मिक्सी का जार, और मिक्सी के जार में सारे मैंगो पल्प को ऐड कर दे रही हूँ। और इसी का मतलब कि एक अच्छा सा पेस्ट बना के रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे आप इतना ही ऐड करें जितना मिक्सी के जार में आ जाए। तो अब साथ में ही ऐड कर रही हूँ मिल्क पाउडर, करीबन ये 2 से 3 बड़ी चम्मच मिल्क पाउडर है। और साथ में ऐड करूँगी चीनी। चीनी आप अपने हिसाब से ऐड करें, क्योंकि मिल्क पाउडर भी मीठा होता है और मैंगो भी मीठा होता है। तो आप अपने हिसाब से ही ऐड करें जितना आप मीठा खाना पसंद करते हैं, लेकिन ठंडे में थोड़ा मीठा कम लगता है, आप थोड़ा ऐसा ज़्यादा ही चीनी ऐड कर ले। और साथ में ही मैं थोड़ा सा मैं इसमें दूध ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा फ्रेश क्रीम ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप दूध का जो मलाई होता है छाली, आप उसे ऐड कर दें। और ये लीजिए, मैं इसका ग्राइंड करके रेडी कर ली हूँ और इसका प्यूरी काफ़ी बारीक हुआ है। और यहाँ पे ज़्यादा मैं मिल्क ऐड नहीं करी हूँ, क्योंकि ज़्यादा मिल्क ऐड करने पे ये पतला हो जाता है। इसे गाढ़ा ही रखना है, क्योंकि मैं बिना गैस जलाए ही बना रही हूँ। तो मैं इसे भी साइड में रख दे रही हूँ और एक ले ली हूँ डब्बा। मैं यहाँ पे प्लास्टिक का डब्बा ले ली हूँ, आप चाहें तो कांच का भी ले सकते हैं। बस स्टील का छोड़ के आप कोई भी ले सकते हैं, स्टील में नहीं लेना क्योंकि स्टील में आइस जम जाता है और टाइट हो जाता है आइसक्रीम। तो मैं यहाँ पे प्लास्टिक का डब्बा ली हूँ और सारे आइसक्रीम को इसमें ऐड करने के बाद छोटे छोटे पीसेस में मैं मैंगो को कटिंग कर ली थी और इसमें छोटे छोटे स्लाइस में ऐड कर रही हूँ ऊपर से, ताकि ये देखने में भी अच्छा लगे और खाने में मुंह में आता है तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे ले ली हूँ एक दूध का थैला। आप जो भी दूध यूज़ करते हैं उसका थैला ले लें और थैलों को अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद इसे कटिंग कर लेना है डब्बे के हिसाब से, जितना बड़ा डब्बे में आ जाए। और डब्बे में कटिंग करने के बाद आइसक्रीम का जो फेस है उसे टच करते हुए इसमें अटैच करके ऐड कर देना है। और ये आइसक्रीम का डब्बा मैं बंद करके रख दी थी 1 से 1.5 घंटे के लिए, और यहाँ पे 1 से 1.5 घंटा हो गया है और ये आइसक्रीम भी बनके रेडी हो गया है। ठंडा ठंडा मीठा मीठा आइसक्रीम भी रेडी हो गया है। आप इसे किसी भी चीज़ से निकाल सकते हैं, स्पून से या फिर करछी से, या फिर आपके पास आइसक्रीम स्कूप है तो आप इससे भी निकाल सकते हैं। बहुत ही यमी बनके आइसक्रीम रेडी हुआ है। ये किसी भी गेस्ट को खिलाए, बच्चे को खिलाए, बड़े को खिलाए, बहुत ही ज़्यादा तारीफ करेंगे। बहुत ही यमी बनके और बहुत ही सिंपल तरीके से बनके रेडी हो जाता है, बिना गैस जलाए 1 से 2 घंटे में बनके ये रेडी हो जाएगा। और ये लीजिए, ठंडा ठंडा आइसक्रीम रेडी है। तो आप इसे सर्व कर सकते हैं कैसे भी। अगर आपको थोड़ा सा इसे टॉपिंग के लिए ऐड करना है ड्राई फ्रूट या फिर टूटी फूटी, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आप भी इस तरीके से मैंगो आइसक्रीम एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, और जब भी ट्राई कीजिए कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। बहुत ही यमी रेसिपी है और ये 2 घंटे में बनके रेडी हो जाएगा ये आइसक्रीम, क्योंकि इसे ज़्यादा फ्रिज नहीं करना होता है। 1 से 1.5 घंटे के लिए आप रख दें और ये रेडी हो जाता है। तो इसे आप जब भी ट्राई कीजिए कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिए, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए। ओके, बाय बाय।